मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक वस्तुनिष्ठ सीरीज में आपका स्वागत है। यह सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना पाठ्यक्रम से संबंधित सभी विषयों के कुल 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। और अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस परीक्षा से संबंधित हमारी पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर एक, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस हैं शिखर, गर्भगृह, गोपुर या प्रदक्षिणा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोपुर। गोपुर या गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिरों में से निर्मित होते थे। यह मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, जिसके निर्माण का प्रचलन पल्लव काल में हुआ। पांड्य तथा चोलों ने इसे विकसित किया था। नंबर दो, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? आपके ऑप्शन हैं आराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश या कुतुब उद्दीन ऐबक ने। सही उत्तर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। सल्तनत काल के शासकों में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिससे इल्तुतमिश वैद सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया। नंबर तीन, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है? ऑप्शन हैं जोर पोखरी झील, डोड़ीताल झील, रूपकुंड झील या रेड हिल्स झील। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूपकुंड झील। रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहा जाता है। यह उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहां दिया था? ऑप्शंस हैं बंबई में, लखनऊ में, चंपारण में या वाराणसी में। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ और बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था और लखनऊ में 1916 में कांग्रेस का 32वां अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में चित्रकोट जलप्रपात है? ऑप्शंस हैं बस्तर, रीवा, ग्वालियर या जबलपुर। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, बस्तर। चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहां स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं कोरबा, बिलासपुर, रायपुर या अंबिकापुर। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिलासपुर। साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। सातवां प्रश्न है, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? ऑप्शंस हैं लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या कच्ची मिट्टी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मृदाएं देश के 14.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पश्चिम में सतलज नदी तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक विस्तृत हैं। इसके अतिरिक्त जलोढ़ मृदा कृष्णा एवं कावेरी नदी घाटियों में भी पाई जाती है। बढ़ते हैं आज के आठवें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शंस हैं बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी खोज सन 1965 में हुई थी। सबसे पहला तेल कुआं सन 1974 में खोदा गया था। इसे रूस भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से 162 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी खोज 1965 में हुई थी। सबसे पहला तेल कुआं सन 1974 में खोदा गया। इसकी खोज भारत रूस ने संयुक्त रूप से की थी। नौवा प्रश्न है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का या कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। भाप अंगार गैस
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की मिश्रण होती है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होगा? ऑप्शंस हैं, फर्श पर गिर जाएगा, अचल रहेगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा या स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा तथा पृथ्वी की सतह तक कभी नहीं जा पाएगा। 11वां प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ऑप्शंस हैं, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। यह गैस अग्निशमन से प्रयुक्त होती है। आज का 12वां प्रश्न है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शंस हैं, रेनिन, पेप्सिन, रेजिन या सिट्रेट। सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेनिन। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन है। 13वां प्रश्न है, मलेरिया निदान हेतु आर्तिथर नाम की औषधि कहाँ प्राप्त होती है? ऑप्शंस हैं, बीजीय पादप से, कवक से, जीवाणु से या काई से। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बीजीय पादप से। मलेरिया निदान हेतु आर्तिथर नाम की औषधि एक बीजीय पौधे से ही प्राप्त की जाती है। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जेल का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं, पनीर, दूध, चेहरे की क्रीम या क्षारीय क्रीम। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पनीर। पनीर जेल का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त जिलेटिन जेल का उदाहरण है। आज का आखिरी प्रश्न है, सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी कौन से हैं? ऑप्शन है, स्पंज, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा या इकाइनोडर्मेटा। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोलस्का। सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी मोलस्का संघ में पाए जाते हैं। आर्किटेथिक्स डंक्स जो मोलस्का संघ में पाया जाता है, जिसकी लंबाई 59 फीट होती है, संख्या के हिसाब से मोलस्का द्वितीय सबसे बड़ा संघ है।